हे वेलकम बैक आई एम और धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस एल लर्निंग इंस्टीट्यूट मेरे बच्चे सबसे पहले आप ट्रांसलेशन की बात करो एक्चुअली अंग्रेजी सीखना है ना तो एक बेस चाहिए जब तक बेस नहीं होगा ना अंग्रेजी नहीं होगा मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ ये चैनल आपके लिए बनाया हूँ ताकि आप इस पर सीख पाओ आप किसी भी सेंटेंस को दुनिया का कोई सेंटेंस को दुनिया का इस मेथड के माध्यम से मेथड देने जा रहा हूं बस बारीकी से कॉपी कलम उठा लो अभी ठहरो हिलना मत यहां से पूरे वीडियो को बारीकी से कॉपी कर लेकर बैठो और अंत में आप मुझे कमेंट करो मुझे बताओ कि तुम सीखे कि नहीं सीखे इसके बाद कोई भी हिंदी का किताब ले लो एनसीआरटी ले लो योजना ले लो कुरुक्षा ले लो चाहे कोई भी मैगजीन ले लो कुछ भी पेपर ले लो और लेके बैठ जाओ आसानी से ट्रांसलेट ना हो तो मेरे को बताना आप आसानी से खेलना आ जाएगा बस कमी किसका होगा वो कैब का वो कैब कमी होगा वो वो कैब भी दे दूंगा आपको जिसके माध्यम से आप आसानी से किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट कर पाएंगे होता क्या है हमारे स्टेट में हमारे कंट्री में बहुत बच्चे हिंदी को अंग्रेजी नहीं कर पाते और बहुत सारे एग्ज़ाम हिंदी से अंग्रेजी न कर पाने की वजह से फेल हो जाते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम में राइट टिंग ट्रांसलेटर पूछता है जुडिशरी वगैरह हो ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जहां बच्चा राइटिंग नहीं कर पाता जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लिखना चाहते हैं लिख नहीं पाते हैं फेल हो जाते हैं या फिर डेली लाइफ में कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पाते कुछ बोलना चाहते हैं नहीं बोल पाते तो आज आपके सारे समस्याओं का समाधान है बस कॉपी का निकाल निकालो और देखना शुरू करो मेरे साथ सबसे पहले आपको परिचय कराता हूं अब परिचय कराने के लिए जब भी आप सेंटेंस बनाएं तो सबसे पहले करना क्या है कि आप कनेक्टर्स को ढूंढ लो कनेक्टर्स का मतलब क्या होता है प्रेपोजिशन जैसे का के की तो इसको हम लोग ऑफ़ बोलते हैं तो ऑफ क्या हुआ काके की तो जब भी काके की कहीं मिले तो हम लोग को ऑफ लगाना पड़ेगा ये प्रीपोजिशन हो गया जैसे आपको मे लगाना हो तो इनका प्रयोग करना होगा तो आप सेंटेंस में देखो जब भी आप अंग्रेजी बनाने का प्रयास करो छोटे छोटे जोड़ने का प्रयास करो कि जब भी जैसे मालूम है मे है तो क्या हो गया क्षेत्र में तो क्या हो जाएगा इन द फील्ड जब भी मिल जाए के तो शिक्षा के तो ऑफ एजुकेशन तो जब ये हो ना हम पीछे से क्यों चलते हैं तो होता क्या कि ऑफ़ अब ऑफ के बाद क्या मिला एजुकेशन देख हो की तो ऑफ द पीपल फिर इन इंडिया तो इस तरह से अब मान लो लोजिए फॉर तो फॉर का मतलब के लिए तो कहीं मान लो भारत के लिए तो फॉर इंडिया देख रहे हो तो जहां भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड मिले इसे हम कनेक्टर्स कहते हैं प्रीपोजिशन को जैसे टू है टू वर्ड्स है तू से, इन है विद इन है आउट है फॉर है सिंस है तो ये सब वर्ड जो है कनेक्टर्स के काम करते हैं जो एक सेंटेंस को दूसरे से जोड़ने का प्रयास करता है उसे हम कनेक्टर्स कहते हैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने का प्रयास करता है उसे हम कनेक्टर्स कहते हैं तो इसी पर बेस बना करके मैं आपको आज बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं मैं देने जा रहा हूं कि आप उसका प्रैक्टिस करिए मेरे साथ और देखिए कि आपसे सेंटेंस बनता है कि नहीं बनता है मैं इसके दो तीन मेथड देने जा रहा हूं आप करके देखो एक बार यहां पर सेंटेंस दिया हूं बहुत बड़ा हमने पढ़ा भारत में लोगों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब थी सेंटेंस है भारत में लोगों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब थी अब मैं इसका दो मेथड दूंगा वो दोनों मेथड बहुत ही बारीकी से आपको देखना है समझना है सबसे पहले ध्यान दीजिए मेथड नंबर वन कि भारत में लोगों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब थी आप पकड़ो सब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वो कभी नहीं होगा जिसके पहले कोई कनेक्टर लगा हो तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कनेक्टर क्या होता है अब ध्यान दीजिए पीछे से बहुत खराब थी मैं मैं एक कनेक्टर है के एक कनेक्टर है कि एक कनेक्टर है जोड़ने वाला में एक कनेक्टर है इसका मतलब कि स्थिति के आगे पीछे कोई कनेक्टर नहीं है इसका मतलब स्थिति सब्जेक्ट है तो जो सब्जेक्ट हो उसको आप एस का मतलब सब्जेक्ट उसको आप एक नंबर डाल दें कितना नंबर डाला एक नंबर अब उसके बाएं और दाएं ध्यान रहे जैसे स्थिति हो गया तो स्थिति वर्ड है अब ऐसे ध्यान दीजिए बाएं और दाएं नंबरिंग कर दीजिए नंबरिंग क्या करना है तो जो जितने पीछे वर्ड हैं सबको एक एक नंबर बिठा दीजिए जैसे हमने इसको एक नंबर दिया इसको दो नंबर दे दिया इसको तीन दिया इसको चार इसको पांच और उसके बाद जो वर्ब रहे वर्व से सबसे अंतिम से यहाँ तक नंबर दे दीजिए जैसे दिया इसको छः, बहुत खराब सात में आठ क्षेत्र नौ के दस शिक्षा ग्यारह क्लियर मेथड को आप देख लो और से। हमने कुछ नहीं किया आप मान लो कि जीरो हो हमने मान लिया कुछ नहीं आ रहा किसी को लेकिन जो उंगली पकड़ के चला रहा हूं चलने का प्रयास करो हमने कहा जो मिल जाए उसको एक नंबर डालो और आगे दाएं बाएं जो भी मिल गया नंबरिंग कर दो इस पोजीशन से सीखो एक मेथड और दूंगा अभी। अब अंग्रेजी मना के चेक करते है, बनता है कि नहीं बनता है स्थिति का अंग्रेजी सोच लो सिचुएशन पोजिशन कुछ भी हो सकता है ना भाई जो मन करता है लगा दो हमने कहा देखो दूसरे अब कहो कि ना सर लगाऊंगा सिचुएशन लगा दो तो सिचुएशन या द पोजिशन उसके बाद की की का अंग्रेजी बताओ बोलो हेल्प करो की का अंग्रेजी ऑफ द पोजिशन ऑफ किसका भाई लोगों तो, तो पोजीशन इसका पोजिशन ऑफ पीपल तो ऑफ द पीपल ऑफ द पीपल अब कहोगे सर द नहीं लगाऊंगा तो ये तो धीरे धीरे सिखाऊंगा कि द कब लगेगा तो दोजीशन ऑफ द पीपल फिर किसका भाई मे मे का अंग्रेजी इन, इन के बाद क्या बचा भारत तो इन इंडिया इंडिया यहां तक अंग्रेजी में हो गया सब्जेक्ट का बाल बच्चा सब्जेक्ट के बारे में पूछने वाला कहने वाला अब बच गया थी तो थी का अंग्रेजी क्या होता है वाज़ वाज के पीछे कौन बहुत खराब तो लिख दिया हमने वेरी बैड वेरी बैड आ गया वेरी बैड के बाद क्या? आठ आठ नंबर में है इन, इन के बाद क्षेत्र तो इन द फील्ड के बाद मिल गया के 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 लिए फिर से आ गया ऑफ भट गया शिक्षा तो ऑफ एजुकेशन फुल स्टॉप अब पढ़ के देखते हैं कि द पोजिशन ऑफ द पीपल इन इंडिया वॉज वेरी वैड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हमने पढ़ा कि द पोजिशन द पोजिशन ऑफ द पीपल इन इंडिया वॉज वेरी वैड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अब बताओ मेरे दोस्त इसको आप खींच लो फोटो खींच के प्लस रख लो लिख लो अब बताओ बना कि नहीं बना हुआ कि नहीं हुआ एक प्रोसेस आओ ये अंतिम प्रोसेस नहीं है तरीका अंतिम नहीं है ऐसे, ऐसे दस तरीके मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि कैसे बना सकते हो जो आपको सूट करता है मेरे दोस्त उसको फॉलो करो वही बनाना शुरू करो आपके लिए चुटकियों में दुनिया का कोई सेंटेंस चुटकियों बनेगा आपसे बस जो प्रोसेस दे रहा हूं बस करो और क्रांति फैलाओ बस देखो यहां गौर से इसको मैं मिटा रहा हूं उतार लिया सबने इसको मिटा रहा हूं इसको हमने मिटा दिया देखो मिटा दिया जो जो नंबरिंग किया था सब मैं मिटा रहा हूँ देखो सब मिटा रहा हूँ जितना नंबरिंग किया था हमने ठीक है बालक देखो सब मिटा रहा हूँ मैं सारे नंबरिंग को मिटा दे रहा हूँ और फिर से मैं बिल्कुल फ्रेश मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ हमने सब मिटा दिया आप देखते जाओ सब खत्म कर दिया हमने देखो सब खत्म हो गया ये फ्रेश फिर मिल गया सेम सेंटेंस प्रोसेस नंबर दो सेम सेंटेंस प्रोसेस नंबर दो सबसे पहला काम किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले कनेक्टर्स कनेक्टर्स का मतलब चुपके से सीख लो ये बड़ा मजेदार चीज है आपको नहीं पता एग्जाम का फेवरेट है ये राइटिंग सीख जाओगे किस्मत बदल जाएगी सोचने का तरीका बदल जाएगा कनेक्टर्स मतलब प्रेपोजिशन उस प्रेपोजिशन को चुपके से देखो गौर से मैं सबसे पीछे चलो पीछे से बहुत खराब इसमें कोई कनेक्टर्स नहीं है सबसे पहला मिला में तो मे को ऐसे घेर लिया घेरने के बाद जो पड़ोसी आ जाए ऐसे अंग्रेजी बना फिर मिल गया के फिर ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे बस यहीं तक क्योंकि स्थिति अकेला है शिक्षा के फिर मिल गया की फिर ऐसे चला ऐसे फिर मिल गया मे फिर ऐसे चला फिर ऐसे चला दिखा अब जो बच गया जो बच गया जो बच गया उसका अंग्रेजी बनाओ ऐसे 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 और ऐसे उसके बाद जो पहला कनेक्टर से पहला नंबर उससे पीछे से ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो और बीच में जहां पे कनेक्टर था उसे जोड़ दो वही तुम्हारा अंग्रेजी बन जाएगा कहो सर करके दिखाइए सर जो आ रहा है करके देखो अभी करके देखो मैं इसको यहां से मैं मिटाने का प्रयास कर रहा हूं मिटा दिया अब देखते हैं गौर से बनाने का चेक करते हैं क्या हुआ स्थिति बहुत खराब थी स्थिति बहुत खराब थी यही बच गया ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया ए तुम्हारा बच गया ये हो गया सब्जेक्ट स्थिति बहुत खराब थी तो हमें लिखा द सिचुएशन थी वाज बहुत खराब थी वेरी बैड देखो ये बच गया स्थिति बहुत खराब थी सिचुएशन इज वेरी बैड अब देखो गौर से यहां से चलना है यहां से चलना है तो बोलो मेक अंग्रेजी इन क्षेत्र इन द फील्ड के का की का के की ऑफ इन द फील्ड ऑफ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ठीक बच्चे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फिर मिल गया की ऑफ द पीपल ऑफ द पीपल फिर बच गया इन देखो पीछे से ऑफ द पीपल इन इंडिया इन in इंडिया आप पढ़ चेक करते हैं क्या लिखा हमें लिखा द सिचुएशन वॉज वेरी बैड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ द पीपल इन इंडिया हमने दिया आपको चलने का तरीका ताकि आप एक लाइन लिख नहीं पाते कम से कम सोच तो पाओगे एक लाइन बोल नहीं पाते कम से कम कर तो पाओगे तो मेरे माध्यम से आप देखो करके क्या ये प्रोसेस बढ़िया है क्या मैं इस पर और काम करूं क्या इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हो क्या ये वीडियो आपके जीवन में क्रांति ला सकता है अगर ला सकता है तो इतना शेयर और सब्सक्राइब करवाओ अपने से खुद से और भारत के लोगों से कि क्रांति की तरह वीडियो आग की तरह फैलनी चाहिए ताकि हर बच्चे को मदद मिले और हिंदुस्तान एक अलग हिंदुस्तान बन उभर जाए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू